गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर का पार्ट थ्री स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट थ्री वीडियो में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल चार है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस वीडियो में हम लोग पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पढ़ेंगे और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और इसके बाद एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो अगला वीडियो में रहेगा। चलो स्टूडेंट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स एंटायरली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जितना है उसके नंबर पे ही डिपेंड करता है एंड नॉट एट ऑल ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, और सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल तुम लोग जानते हो सब कोई, अगर हम लोग प्योर वाटर के साथ कोई इंप्यूरिटी मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, है ना। प्योर वाटर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसमें अगर थोड़ा अमाउंट में अगर हम लोग NaCl बोलो या कॉपर सल्फेट या ग्लूकोज या सुक्रोज, कुछ भी कोई भी सॉल्यूट अगर मिला देंगे विच इज प्रेजेंट एज इंप्यूरिटी, मतलब इंप्यूरिटी के हिसाब से हम लोग अगर मिला देते हैं तो क्या होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहता है और वो इंक्रीज होके थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चार सॉल्यूशन बनाते हैं, सब में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सब कुछ सेम अमाउंट में है, सेम वॉल्यूम, सेम मतलब वाटर सब में सेम दिया गया है। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मालूम है, ये क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, यहां पे ये हम डिनोट कर रहे हैं कि ये वाटर है। जैसे ही इसके साथ एक मोल ग्लूकोज मिलाते हैं, ग्लूकोज मिलाने पर इसका मोलर मास ग्लूकोज का कितना है, 180। मान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के ये नया बॉइलिंग पॉइंट है टी डैश बी, कर देते इसको टी डैश बी, ये क्या था टी नॉट बी, टी नॉट बी क्या था ओरिजिनल, टी नॉट बी क्या था ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट, और टी डैश बी इंक्रीज होके जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है डेल्टा टी बी, मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेरा सवाल ये है, यहां पे सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिए है, उसमें हम 1 मोल यूरिया मिलाए हैं जिसका मोलर मास 60 है, फिर से और एक सॉल्यूशन बनाए हैं सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेके, इसमें 1 मोल सुक्रोज लिए हैं, फिर से सेम अमाउंट वाटर लेके इसमें 1 मोल इथिलीन ग्लाइकॉल, सुक्रोज का मोलर मास 342 है, इथिलीन ग्लाइकॉल का 62 है। अब तुम लोग बताओ तो ये सब में इंक्रीज होगा, सब में बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा, किसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा किसमें इंक्रीज होगा? तो तुम लोग बताओगे सर इसमें थोड़ा सा कम होगा, ये क्यों थोड़ा सा कम क्यों है सर, क्यों इसका 180 है और ये 60 है सर, इसका इसमें 4 डिग्री के लगभग होगा, क्योंकि सर ये 180 का लगभग डबल है तो ये 104 होना चाहिए, एकदम बिल्कुल गलत। सब में जो है इंक्रीज कितना होगा, सब में इंक्रीज 2 डिग्री करके ही होगा, डेल्टा टीवी इसमें भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसमें भी, तो इसका भी फाइनल टीडीएस भी कितना होगा इंक्रीज होके, इसका इंक्रीज होके 102 डिग्री होगा, इसका भी 102 डिग्री होगा, इसका भी 102 डिग्री होगा। तो सब में एलिवेशन का अमाउंट सेम रहेगा, सब में 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ठीक है, क्यों सब में सेम क्यों हुआ,
ये तो सब अलग अलग सल्यूट था, सबका अलग अलग मोलर मास था, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तुम लोग अगर ध्यान से चेक करोगे, हम सब में वन मोल लिखे है, वन मोल ग्लूकोज, वन मोल ग्लूकोज में बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, 6.022 × 10²³। वन मोल यूरिया में पार्टिकल्स का नंबर कितना होगा, 6.022 × 10²³। इसमें भी कितना होगा, 6.022 × 10²। तो देखो सब में एक मोल जब डाले हैं, सब में पार्टिकल्स का नंबर सेम है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, एंड नॉट एट ऑल, और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, वो सॉल्यूट कैसा है, वो मीठा है या कड़वा है, सफेद है या काला है, इस तरह से कलर, नेचर, सॉल्युबिलिटी, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टीज which depends entirely on the number of particles present in the solution, जो solution में present particles के number के ऊपर depend करता है, and not at all on the nature of the solute, और solute के nature के ऊपर depend नहीं करता है, ऐसे properties को हम लोग क्या कहते हैं, colligative properties कहते हैं। Students, अब हम लोग पहला colligative property के बारे में पढ़ते हैं, वो है relative lowering of वेपर प्रेशर। देखो यहां पे हम एक प्योर सॉल्वेंट लिए हैं, प्योर सॉल्वेंट ए, प्योर लिक्विड ए है। तुम लोग जानते हो इसके पहले के वीडियोस में हम बताए थे, कोई भी लिक्विड होता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ वेपर्स हमेशा प्रेजेंट रहता है, क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है, मतलब प्योर लिक्विड का है, तो इसे हम लोग पी नॉट ए से डिनोट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो हम यहां पे देखो क्या लिखे हैं, लेट अस कंसीडर ए प्योर लिक्विड कंपोनेंट ए सच दैट इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इज पी नॉट ए। मतलब प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए, प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर है। इसके बाद व्हेन ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल मतलब जो वोलाटाइल वेपराइज नहीं होता है, वोलाटाइल जैसे नेपथलीन रख दोगे तो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, तो उस तरह का नहीं होगा। सुगर, सुगर रखने से क्या उड़ जाता है, नहीं, वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है ना। तो सल्यूट इज एडेड टू लिक्विड कंपोनेंट ए, लिक्विड कंपोनेंट ए के साथ अगर हम लोग नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट एक बी अगर ऐड करते हैं, यह है बी, तो तब क्या होगा, देन सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए, तो क्या होता है, लिक्विड ए के कुछ मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पे, मतलब ये देखो सरफेस पे पहले पूरा लिक्विड ए से ही भरा था, यहां पे देखो प्योर लिक्विड जब था पूरा सरफेस लिक्विड ए के मॉलिक्यूल से भरा था, और यहां पे जब बी मिलाओगे तो कुछ मॉलिक्यूल सरफेस में क्या होगा, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बी उसको क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। देखो वही लिखा हुआ है, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए एट इट सरफेस विल बी रिप्लेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बी, ठीक है। तो ये सॉल्यूट को क्या मान रहे हैं, बी। तो अब देखो वेपराइजेशन तुम लोग जानते हो, वेपराइजेशन हमेशा कहां से होता है, सरफेस से होता है। तो पहले जो जब प्योर लिक्विड था उस समय सरफेस एरिया ज्यादा था, है ना, तो यहां पे वेपर्स भी क्या हो रहा था, ज्यादा बन रहा था। अभी क्या होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है, और ये प्योर स्टेट में नहीं है, और सरफेस में कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बी का आ चुका है, तो ये जो सॉल्वेंट है रेड कलर वाला, मतलब प्योर सॉल्वेंट ए, इसका वेपर सब कम बनेगा, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस में एरिया तो डिक्रीज हो गया, है ना। तो पी ए का वैल्यू जो होगा, मतलब पी ए क्या है, पी ए होगा वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, मतलब पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन ऑफ ए, ए का जो वेपर प्रेशर होगा
इस सॉल्यूशन के ऊपर पार्शियल वेपर प्रेशर, इसे हम लोग क्या कहते हैं पीए। तो वो पीए हमेशा क्या होगा, मतलब ये सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के हिसाब से जो होना चाहिए उससे हमेशा क्या बनेगा, कम ही बनेगा। तो देखो द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, अभी क्या बताया थी कुछ देर पहले पी नॉट ए प्योर लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, यहां पे इसके पहले पीए बताए थे, एक्चुअली पीएस होगा, पीएस मतलब वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन विच विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। अब देखो वैसे पीबी का वैल्यू क्या होगा, पीबी का वैल्यू जीरो ही होगा, मतलब पीएस बराबर पीए ही होगा। क्यों पीबी का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि ये तो नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, वोलाटाइल है नॉन वोलाटाइल है तो ये वेपराइज नहीं करेगा। तो ये देखो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर होगा ये हमेशा पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड से हमेशा कम होगा। ये जो डिफरेंस है पी नॉट ए से, ये बड़ा है ये छोटा है पीएस, पी नॉट ए से अगर पीएस माइनस करते हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेफिनेशन चेक कर लेते हैं, द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन पीएस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब ये जो वेपर प्रेशर का जो लोअरिंग हुआ इसके साथ इसका टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले जैसा जो डेफिनेशन मतलब था वो पहले लिखना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर ए प्योर कंपोनेंट ए सच दैट इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इज पी नॉट ए, पहले समझा चुके हैं। जब एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट लिक्विड ए में ऐड किया जाएगा देन सम ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एट इट्स सरफेस विल बी रिप्लेस बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बी, जब बी को ऐड किया जाता है लिक्विड ए के सरफेस में कुछ मॉलिक्यूल्स जो है नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बी से रिप्लेस हो जाता है। अब वेपराइजेशन क्योंकि एक सरफेस फिनोमिनन है, सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होगा। तो हम लोग क्या मानते हैं, लेट द वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन बी पीएस, पीएस क्या है वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीएस बराबर क्या पीए प्लस पीबी लिख सकते हैं, पीए क्या है पीए और टीबी पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसको इक्वेशन वन देते हैं। अब देखो बी क्या है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब वो वेपराइज ही नहीं होगा, अगर वेपराइज नहीं हुआ तो इसका कोई प्रेशर नहीं बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, पीबी के जगह पे क्या बैठा होगा जीरो बैठा होगा, और पीएस इक्वल टू क्या होगा, पीएस इक्वल टू क्या होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस जीरो। ये पीए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए कैसे हुआ, राउल्स लॉ इसके पहले सिखाए थे, पीए इक्वल टू क्या होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पीएस इक्वल टू क्या हो रहा है P not A into 1 minus XB, X के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं 1 minus XB, कैसे सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन का वैल्यू तुम लोग जानते हो 1 होता है, X इक्वल टू क्या होगा 1 minus XB, और PS इक्वल टू क्या लिख सकते हो P not A minus P not A into XB, P not A minus P not A into XB, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, P not A XB को इधर लाते हैं, P not A into XB इधर लाए हैं, P not A XB इक्वल टू P not A और इसको इधर लाते हैं माइनस PS हो जाएगा, और XB XB इक्वल टू ये देखो, तो ये क्या था ये वाला P not A माइनस PS, दिस वाज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और देखो और XB XB will be equal to XB equal to P not A minus PS by P not A, और XB equal to P not B minus PS by P not A,
इसके पहले देखो डेफिनेशन में बताए थे पी नॉट ए माइनस पी एस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड माइनस वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन, इसे सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और अगर पी नॉट सॉरी पी नॉट ए होगा ये पी नॉट ए होगा पी नॉट ए माइनस पी एस मतलब रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द पी नॉट ए क्या था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इसे हम लोग क्या कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग। यहां से और एक राउल्ट लॉ जो है बनेगा उसे कहते हैं राउल्ट लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, किसके बराबर होगा एक्स भी क्या था एक्स भी था मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट, जो नॉन वोलाटाइल सल्यूट था सॉल्यूशन में, तो जो भी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा उस नॉन वोलाटाइल सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के साथ क्या होगा बराबर होगा। यही है राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सीखने से पहले हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो जान लेना जरूरी है। तो क्लास 10 का जो कंसेप्ट था या 9 में जो लोग तुम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ के आए हो, अभी क्योंकि तुम लोग क्लास 12 में आ गए हो तो उसका डेफिनेशन भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट और ए सॉल्यूशन, कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है एट विच द वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिए है, ये एक प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट देखो लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसके साथ नॉन वोलाटाइल ये ब्लू वाला जो है ये नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। तो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं इसी को, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो सपोज टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके ऊपर देखो जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसके ऊपर वेपर्स का अमाउंट क्या है कम है, तो ये है वेपर प्रेशर ओवर द प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड के ऊपर जो वेपर प्रेशर है ये है। अब जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे वाटर कितना डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल करता है 100 डिग्री, क्यों 100 डिग्री में बॉयल करता है, क्यों वाई नॉट हायर देन दैट, होता है हायर देन दैट ये कब होता है प्रेशर कुकर में होता है, या लोअर देन दैट वो कहाँ पे होता है हिली एरियाज में होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाई इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, तो देखो यहाँ पे हम प्योर वाटर लिए है 25 डिग्री से, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है वाटर है, प्योर वाटर लेते हैं विच इज द सॉल्वेंट। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं देखो तुम लोग वेपर्स का अमाउंट धीरे धीरे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। मान लो इसका इनिशियल ये जो प्रेशर था, ये इनिशियल प्रेशर था पार्शियल प्रेशर सॉरी टोटल प्रेशर था ये मान लो 500 मिलीमीटर प्रेशर सपोज। अब जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर ज्यादा बनेगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होने लगेगा ये बढ़ने लगेगा, मान लो ये हो गया 650 हो गया 650। अब फिर से टेम्परेचर बढ़ाओ ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हो रहा है, ठीक है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, अब हम 75 डिग्री सेंटीग्रेड की है सपोज, तो यहाँ पे और ज्यादा वेपर्स बनेगा तो ये प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, मान लो ये हो गया प्रेशर बढ़ते बढ़ते 720 हो गया। अब जब 100 डिग्री हो रहा है जिसे हम लोग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना वेपर्स बनेगा कि यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर, ये प्रेशर कितना हो गया 760 मिलीमीटर, यही क्या है ये 1 एटमॉस्फेयर हुआ ना। तो जब कोई भी लिक्विड कोई भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है उस टेम्परेचर में वो लिक्विड या सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो भी हो वो क्या होने लगता है बॉयल करने लगता है।
अब हम लोग एक सोल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो सोल्यूशन के साथ अगर कंपेयर करोगे, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम ही रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्यों कम रहेगा, इसका इसका इस एग्जांपल इसके पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम बता चुके हैं। जब भी तुम लोग एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट मिलाते हो, तो ये नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट क्या करता है, उस प्योर लिक्विड के सरफेस के कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। और क्योंकि तुम लोग जानते हो ये वेपराइजेशन, ये जो प्रोसेस है, ये क्या होता है, कहाँ से होता है, ये सरफेस से होता है। तो ये वेपर प्रेशर क्या होता है, मतलब जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में प्योर सॉल्वेंट का 500 हो रहा है, उसी टेम्परेचर पर अगर तुम लोग सोल्यूशन का लोगे तो इसका वेपर प्रेशर कितना मिलेगा, इसका प्रेशर हो रहा है 450 मिलीमीटर सपोज। मतलब प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, देखो यहाँ पे ज्यादा वेपर्स है, यहाँ पे कम वेपर्स है। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका 650 था, ठीक है ना, तो इसका उससे कम होगा, कितना कम होगा, 650 से कम, मान लो 610 मिलीमीटर। फिर टेम्परेचर बढ़ाओ, ठीक है, जब यहां पे 720 हो चुका है, इसका कितना होगा, 680। क्यों, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सरफेस में मॉलिक्यूल्स कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इसलिए वेपराइजेशन का प्रोसेस कम हो जाता है। तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर होगा, क्या ये 1 एटमोस्फियर होगा, नहीं, क्या होगा, उससे कम होगा। तो यहाँ पे कितना हुआ, जब 100 डिग्री पहुंच गया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका प्रेशर हो गया मान लो 710। सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर कितना हो गया, 710। इसका मतलब इसको बॉयल होने के लिए क्या होना होगा, इसके ऊपर वेपर प्रेशर कितना होना होगा, 1 एटमोस्फियर 760 मिलीमीटर प्रेशर। तो यानी और 40 मिलीमीटर प्रेशर बढ़ाना है, किस तरह से बढ़ाओगे, यू हैव टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ हीट, और हीट बढ़ाओ और टेम्परेचर बढ़ाओ, तब जाके ये वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होके 760 हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा हीट जो तुम दे रहे हो, इसी के चलते उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है। तो एलिवेशन तुम लोग इसके पहले भी जानते हो, इम्प्यूरिटी मिला रहने पर प्योर सॉल्वेंट के साथ इम्प्यूरिटी अगर मिला हुआ रहता है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही रीजन है क्यों इम्प्यूरिटी मिला रहने पर, जिस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट बॉयल होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पर 1 एटमोस्फियर से कम ही रहता है। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ता है, ताकि उसका वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर या 1 एटमोस्फियर के बराबर हो जाए। इसलिए क्या होता है, देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेनेवर अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज एडेड टू ए प्योर सॉल्वेंट। अब हम लोग कॉज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। इसके पहले हम बता चुके थे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है। देखो ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लो, कोई एक पर्टिकुलर, मान लो ये वाला टेम्परेचर है, हाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का वैल्यू देखो हमेशा देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हमेशा कम होता है, ठीक है। तो देखो द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ ए प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, कम होता है। देयरफॉर द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड, जिस टेम्परेचर पर ये ब्लू मार्किंग जो है प्योर सॉल्वेंट प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, देखो तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर T0V से जिसे हम लोग डिनोट किए हैं, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 एटमोस्फियर हो गया। प्योर लिक्विड जिस टेम्परेचर पर
प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फियर हो जाता है, यानी वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तुम चेक करो ये कि तब भी क्या है, इज इट इक्वल टू 1 एटमोस्फियर? नो, तो सॉल्यूशन तो बॉइल नहीं करेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तब तुमको टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा सॉल्यूशन के लिए, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओ। देखो टी डैश बी है ये वाला, ठीक है, ये बी है, मतलब अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर फिर से बढ़ने लगेगा और ये क्या होगा, ये 1 एटमोस्फियर हो जाएगा। तो ये जो चेंज हुआ, इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा टी बी, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार डेफिनेशन और चेक कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ ए प्योर लिक्विड, देयरफॉर द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमोस्फियर, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर जब 1 एटमोस्फियर हो जाता है, दैट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फियर से तब भी कम ही रहता है। दिस रिजल्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक थोड़ा सा लिख लेना चाहिए था, जो एक्स्ट्रा चीज बताना चाहिए था, देयरफॉर सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड सो दैट द वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू 1 एटमोस्फियर। मतलब हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा ताकि सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाए, 1 एटमोस्फियर के बराबर हो जाए। इसलिए दिस रिजल्ट्स इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेट होता है। जो डेल्टा टी भी दिखाई दे रहा है इसी को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये इसके पहले जो नीचे छोटा करके बनाए थे इसे थोड़ा बड़ा करके बनाए हैं। देखो ये वाला प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, ये 1 एटमोस्फियर है, जिस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फियर हो जाता है, टी नॉट बी कहते हैं, टी नॉट बी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कहते हैं। और उस टेम्परेचर पर देखो, उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के मतलब 1 एटमोस्फियर से कम ही रहता है, इसलिए सॉल्यूशन को थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पर इसका वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फियर हो जाता है। और ये जो डेल्टा टी बी मतलब जो चेंज हुआ, टी डैश बी क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो डिफरेंस है मतलब टी डैश बी माइनस टी नॉट बी, तो इस टी डैश बी माइनस टी नॉट बी से डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं, इट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखा गया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम स्टैंड फॉर स्मॉल एम, मतलब होता है मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और डेल्टा टी बी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दोगे तो क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, इक्वल टू क्या होगा, Kb, ये कांस्टेंट लाना पड़ता है। इस Kb को क्या कहते हैं, मोलल एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब हम लोग देखो यहाँ पे सीखे हैं डेल्टा Kb इक्वल टू Kb इंटू एम। मोलालिटी का डेफिनेशन क्लास 11 में तुम लोग पढ़ के आए हो, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये ग्राम में हो है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NB, सॉल्यूट यहां पे B था, सॉल्यूट को B पकड़े थे और सॉल्वेंट को क्या पकड़े थे, A पकड़े थे। तो WA स्टैंड्स फॉर मास ऑफ सॉल्वेंट और WB स्टैंड्स फॉर मास ऑफ सॉल्यूट, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल्स किस कैसे निकाला जाता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, तो बाय WA * 1000। इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो मोलालिटी क्या आता है, WB into 1000 by WA into MB। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला था WB into 1000 by MB into WA, ये इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम में बैठाते हैं, तो ये क्या बन गया, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम की जगह पे WB into 1000 by MB into WA। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, 2 या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अब हम लोग चलते हैं केबी, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका मोलर एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका डेफिनेशन पे। तो देखो हम लोग को मालूम है डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू एम। अगर एम मोलालिटी 1 मोल पर केजी होता है तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू एम के जगह पे 1 लिखोगे, यानी के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी हो गया। तो डेल्टा टी बी क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कब, दैट मींस के बी में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन
when 1 mole of the non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 1 kg of the solvent, 1 mole non-volatile non-electrolyte solute जब 1 kg solvent में dissolve होता है, तब जो elevation in boiling point होता है, check कर लो, ebullioscopic constant may be defined as the elevation in boiling point of a solution which contains 1 mole of the non-volatile solute dissolved in 1 kg of the solvent. अब हम लोग यूनिट ऑफ के बी देखते हैं. देखो डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी इंटू एम. तो डेल्टा टी वी का यूनिट मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट केल्विन होगा या सेंटीग्रेड में होगा. एम मतलब है मोलालिटी, इसका यूनिट क्या होता है मोल्स पर केजी. तो यहाँ पे डेल्टा टी वी के जगह पे केल्विन बैठा आया है, के बी जैसा वैसा रहने दिए है और एम है, एम के जगह पे मोल्स पर केजी लिखे है. तो के बी क्या होगा, केल्विन डिवाइडेड बाई मोल केजी इनवर्स. तो इसको सिंप्लीफाई करो तो यूनिट क्या हुआ, केल्विन केजी पर मोल. चलो स्टूडेंट्स अब हम लोग थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं वो हम लोग सीख लेते हैं. फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पर सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है और सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है. इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, जी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. इन शॉर्ट फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ओवर द लिक्विड एंड द सॉलिड फेज आर इक्वल एंड दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर. एक डायग्रामेटिक स्केच देखते हैं. देखो यहाँ पे हम आइस लिए हैं, एक कंटेनर में आइस है और इसके साथ वाटर है. आइस और वाटर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है. देखो यहां से आइस के ऊपर से ये धुआं निकल रहा है, ये क्या है, प्रेशर वेपर्स. तो ये प्रेशर डालेगा आइस के ऊपर और यहाँ वाटर है, वाटर के ऊपर से भी क्या हो रहा है, वेपर्स निकल रहा है. तो ये जो वेपर्स है ये क्या कर रहा है, ये वेपर्स ये आइस क्यूब के ऊपर जो प्रेशर डाल रहा है और यहाँ जो है वाटर के ऊपर भी जो प्रेशर पड़ रहा है, ये दोनों प्रेशर जब बराबर हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड फेज ऑफ ए सब्सटेंस और लिक्विड फेज ऑफ ए सब्सटेंस वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है और सॉलिड फेज ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर जो वेपर प्रेशर है और लिक्विड फेज ऑफ द सब्सटेंस इसका वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. अब हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको चेक करते हैं. देखो y एक्सिस में वेपर प्रेशर है, x एक्सिस में टेम्परेचर लिया गया है. ठीक, ये लिक्विड सॉल्वेंट मान लो वाटर, रेड पेन से जो मार्क किया हुआ है वाटर जो है, इसको हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं. जैसे ठंडा करेंगे इसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा. देखो अलोंग द कर्व ये हाई टेम्परेचर है, जैसे जैसे इसको फ्रिज में डाल दो इस वाटर, ये लिक्विड सॉल्वेंट एग्जाम्पल लेते हैं वाटर, मान लो वाटर को हम लोग फ्रिज में डाले हैं, तो जैसे ही ठंडा होगा इसका वेपर प्रेशर, तुम लोगों को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बताए थे टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, उसी तरह से टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे वेपर प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है एट पॉइंट ए. पॉइंट ए में देखो, पॉइंट ए में क्या हो रहा है, यहां से यहां पे फर्स्ट जो है आइस जो है दिखाई देता है, मतलब ए के बाद से ये क्या हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट मतलब सॉलिड सॉल्वेंट क्या है, आइस. ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है इस टेम्परेचर टी नॉट एफ, इसमें देखो ये जो वेपर प्रेशर है लिक्विड सॉल्वेंट और ये सॉलिड सॉल्वेंट, ये पेन से देखो यानी आइस और वाटर दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है और ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है. अब यहां पे हम एक सॉल्यूशन लेते हैं. ठीक है, मान लो सुक्रोज सुगर वाटर जो है सॉल्यूशन लिए है, तो ये सॉल्यूशन है मतलब सुगर वाटर, मान लो सुगर सॉल्यूशन, तो क्या होगा,
तुम लोग इसके पहले भी बता चुके हैं सॉल्यूशन का हमेशा वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होता है। तो जिस टेम्परेचर पर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के जो सॉलिड फेज है ना, इसके बराबर हो जाता है T0F, जिसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सॉल्यूशन के लिए ये फ्रीजिंग पॉइंट देखो और क्या होगा, कम होगा, है ना। देखो ये इसको और ठंडा करना पड़ेगा, तो जो T0F में प्योर सॉल्वेंट जो T0F में फ्रीज हो रहा था, सॉल्यूशन T-F यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उससे कम टेम्परेचर में क्या होगा, फ्रीज होगा। तो ये जो डिफरेंस हुआ, ये जो डिफरेंस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तुम लोग आइस के साथ नमक मिला दो, NaCl वगैरह सुक्रोज कुछ भी मिला दो, तो उसका हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए देखोगे कुल्फी मलाई या आइसक्रीम में थोड़ा अमाउंट में NaCl मिला दिया जाता है, ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसे क्या कहेंगे, ΔTF। ΔTF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ΔTF बराबर क्या होगा, तब ΔTF बराबर कौन बड़ा है दोनों में से, T0F माइनस T-F। अभी जो समझा रहे थे उसी को हम अब नोट के हिसाब से लिखा दे रहे हैं। कॉज ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये था प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए था। और सॉल्यूशन लोगे, इसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, ये है सॉल्यूशन। अब देखो एज फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड फेज आर इक्वल, ये वेपर प्रेशर एक्सिस है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट मतलब कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और ये वाला सॉलिड सॉल्वेंट, दोनों क्या होता है, वेपर प्रेशर दोनों का देखो इक्वल है इस पॉइंट पर। Therefore, for the solution, it will take place at a lower temperature. Solution के लिए क्या होगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सोल्यूशन एंड द सॉलिड सोल्यूशन, ये क्या होगा, इट विल टेक प्लेस एट ए लोअर टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि लोअर द टेम्परेचर, लोअर इज द वेपर प्रेशर, जितना टेम्परेचर कम होगा, तुम लोग जानते हो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम ही होता है, इसलिए इसको फ्रीज होने में टेम्परेचर नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट जो होना चाहिए उससे कम होना हो। अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये चेक करते हैं। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जैसे देखा गया था कि ΔTB वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, यहां पे भी इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ΔTF is directly proportional to the molality of the solution, मतलब ΔTF directly proportional to M, और ΔTF क्या होगा, Kf into M, वहाँ पे K भी था elevation in boiling point में, इसमें क्या Kf, Kf को क्या कहते हैं, molal cryoscopic constant या molal depression constant। इसके पहले elevation in boiling point में हम लोग molality के derivation बनाए थे, molality equal to WB into 1000 by MB into WA, WB क्या था, molar mass of solute taken, MB क्या था, molar mass of solute
और डब्ल्यू ए क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किस में होना चाहिए, अगर ग्राम में होता है तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग मोलालिटी का फॉर्मूला एम के जगह पे बैठा देते हैं तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सवाल आता है। अब हम लोग मोलर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के एफ उसका डेफिनेशन हम लोग चेक करते हैं। देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, अगर मोलालिटी वन मोल पर, सॉरी लीटर नहीं होगा, क्या होगा, वन मोल पर केजी, वन मोल पर केजी होता है, देन डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, के एफ इंटू वन, यहां पे वन हो जाएगा तो के एफ बराबर क्या हो गया, डेल्टा टी एफ। तो मोलर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के एफ मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स वन मोल ऑफ द सोल्यूट। मतलब अगर एक सोल्यूशन लेते हो जिसमें एक मोल सोल्यूट एक केजी सॉल्वेंट में डिसॉल्व रहता है, तब जाकर उस सोल्यूशन में जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मोलर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कह सकते हैं। इसका यूनिट जैसे केवी जैसा था, केल्विन केजी पर मोल, इसका भी केल्विन केजी पर मोल रहेगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर कुछ छोटा, मतलब एक मार्क्स का जो है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। यह है पहला क्वेश्चन, व्हाई इट इज एडवाइज टू एड इथिलीन ग्लाइकॉल टू वाटर इन कार रेडिएटर व्हाइल ड्राइविंग इन ए हिल स्टेशन, है ना। तो देखो रनिंग ऑफ ए कार इन सब जीरो वेदर, हिल स्टेशन में रेडिएटर में तुम लोग जानते हो पानी रहता है, तो अगर तुम लोग कश्मीर वगैरह शिमला वहां पे घूमने गए हो तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, -5 डिग्री चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो रेडिएटर में वाटर है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तो कार जो है स्टार्ट नहीं लेगा। इसलिए क्या किया जाता है, उस रेडिएटर में जो वाटर है उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है। तो जैसे ही इथिलीन ग्लाइकॉल वाटर के साथ मिला दिया जाएगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। मतलब कम होके कितना हो सकता है, -15, ये डिपेंड करता है कि तुम कितना इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड कर रहे हो, -15, अब ज्यादा डालोगे तो -20, -25, इस तरह से। तो जब तक जो है सराउंडिंग टेम्परेचर -15 के नीचे नहीं जाता है, ठीक है, तब तक वो जो रेडिएटर में जो वाटर था वो वाटर ही रहेगा, ये फ्रीज नहीं होगा, तो तब क्या होगा, आसान रहेगा। तो इसलिए देखो लिखा हुआ है, रनिंग ऑफ ए कार इन सब जीरो वेदर, सब जीरो मतलब लेस देन जीरो टेम्परेचर जो है ऐसे वेदर में पॉसिबल होता है, इवन व्हेन द रेडिएटर इज फुल ऑफ वाटर इज पॉसिबल ड्यू टू द फैक्ट दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑकर्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑकर्स व्हेन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसे हम लोग एंटी फ्रीज भी कहते हैं, इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर। वाटर इथिलीन ग्लाइकॉल मिक्सचर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एस लो एस -15 डिग्री सेंटीग्रेड, therefore so long as the temperature, मतलब surrounding मान लो -5 डिग्री है तो वो water freeze नहीं होने वाला, हाँ अब -20 डिग्री हो जाएगा तो तब freeze हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब तक surrounding का temperature -15 से कम है, मतलब -5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह का है, so long as the temperature of the surrounding does not fall below this temperature, इस temperature के नीचे नहीं जाता है, water in the radiator क्या होगा, freeze नहीं होगा। दूसरा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन देखो, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड टू क्लियर स्नो फ्रॉम रोड्स। तुम लोग देखोगे फेसबुक में या यूट्यूब वीडियोस में देखोगे कि कश्मीर या वहां पे रास्ता जो है, मतलब जो रास्ता बीएसएफ के जवान वगैरह वो लोग जो जाते हैं या ट्रांसपोर्ट के लिए, रास्ते के दोनों तरफ देखोगे मतलब 6-7 फुट का लंबा, मतलब स्नो का एकदम पूरा भरा हुआ है, स्नो से भरा हुआ है पूरा, है ना, ब्लॉक्स है स्नो का। तो ऐसा होता है कि स्नो जब ऊपर से स्नोफॉल जब होता है, वो लोग इस तरह से सोच के गिरता है कि ना ये रोड है, ये यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए यहाँ से नहीं, यहाँ पे नहीं गिरना है, इसके बगल में या साइड में गिरना है, ऐसा तो नहीं होता है।
एक्चुअली क्या होता है, देखो मिलिट्री हम लोग के बीएसएफ के जवान लोग क्या करते हैं, वहां पे रोड को क्लियर रखने के लिए एनएसीएल वाटर या कैल्शियम क्लोराइड वाटर के मिक्सचर को क्या किया जाता है, रोड में डाला जाता है। देखो इन विंटर और इन द हिल्स वेर इट स्नोज हेविली, कॉमन सॉल्ट एनएसीएल और कैल्शियम क्लोराइड इज स्कैटर्ड ऑन रोड्स टू मेल्ट आइस, आइस को मेल्ट करने के लिए किया जाता है। दिस इज बिकॉज एनएसीएल वाटर मिक्सचर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एज लो एज -21 डिग्री सेंटीग्रेड। एनएसीएल वाटर मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट -21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कैल्शियम क्लोराइड वाटर का वो और कम -55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दस सो लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर इस टेम्परेचर के नीचे नहीं जाता है, तब तक जो वो बर्फ गिरेगा, जो स्नोफॉल होगा, वो क्या होगा, वो फ्रीज नहीं होगा, वो क्या होता रहेगा, मेल्ट होता रहेगा। इसीलिए मतलब क्या किया जाता है, मतलब विंटर हिली एरियाज में जहां पे स्नोफॉल ज्यादा होता है, वहां पे कैल्शियम क्लोराइड या एनएसीएल जो है रूट्स पर स्प्रिंकल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन तक रख रहे हैं, अगले वीडियो में तुम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हाँ वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।